नाचने गाने वाला, गंदा गंदा सब प्रचार करने वाला, वीडियो बनाने वाला, गाना गाने वाला, वो सबको पसंद नहीं आता है ना। तो मतलब गाना गाने वाला को आप लोग समर्थन नहीं? नहीं, हम लोग नहीं देंगे। चलिए, काराकाट लोकसभा क्षेत्र के विक्रमगंज में मौजूद है और विक्रमगंज का ये धनगाई गांव है और यहाँ से मैं महिलाओं का विचार जानने का प्रयास करूँगा कि इस लोकसभा चुनाव में महिला जो हैं किनको समर्थन देने जा रही हैं। क्या नाम हुआ आपका? शांति कुमारी। अब की जो चुनाव होने वाला है लोकसभा का, किनको समर्थन देने जा रही हैं? मोदी जी को, उपेंद्र कुशवाहा जी को। मोदी जी को, उपेंद्र कुशवाहा जी को। अच्छा, उपेंद्र कुशवाहा जी के अलावे यहाँ पर एक देखा जा रहा है कि अभी चर्चा में सोशल मीडिया पर तेजी से पावर स्टार जो पवन सिंह कहलाते हैं, गाना गाते हैं, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनको वो तो अभी अभी आए हैं ना, अभी इन साल में आए हैं, वो तो कई साल से आ रहे हैं, वो बहुत कुछ किए हैं, यहाँ गरीब के लिए शौचालय दिए, आवासें दिए, गरीब महिलाओं के लिए जीविका के संस्था यहाँ खुलवाए हैं कि जीविका जो जुड़ी है उसमें बहुत से लाभ ले रही है, कि इधर उधर भटक रही थी उसमें कुछ रोजगार मिल रहा है, अपना लेन देन करके रोजगार कर रही है, बढ़ा रही है, उसी से अपना रोजगार से अपने बाल बच्चा को देख रेख पोषपाल कर रही है। पवन सिंह भी यहाँ पर पाली पुल एवं तमाम जो रोजगार के मतलब मुद्दा रखे हैं कि हम जीतेंगे तो रोजगार मुहैया कराएंगे, फिल्म सिटी बनाएंगे, फिल्म सिटी बनाएंगे, कोई गारंटी है कि देंगे कि नहीं देंगे? प्रलोभन दे रहे हैं कि हाई करेंगे, हाउ करेंगे, ये करेंगे, कहने से नहीं ना होगा। अब तो देखने लायक, देखने वाला है कि मान के चलिए कि मोदी जी यहाँ सब कोई के कुछ कर रहे हैं, सब किए, काहे नहीं? अच्छा, नरेंद्र मोदी जी अभी क्या कुछ किए हैं महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए तो बहुत कुछ है, जिसका विधवा पेंशन नहीं था वो बनवाए हैं, जिसका बूढ़ा पेंशन नहीं था वो बना है। उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत सारा काम किया है, महिलाओं के लिए शौचालय घर घर बनवाए, इंदिरा प्रधानमंत्री आवास जो सब था वो सब बनवाए, फिर और घर घर जिसका मैंने राशन 5-5 किलो फ्री करवाए जो मन लिखा, और सब बहुत ऐसा सारा काम किया है। तो इस बार यहाँ की जो महिला है किनको समर्थन देने जा रही है? उपेंद्र कुशवाहा जी को। उपेंद्र कुशवाहा? हाँ, सिलेंडर छाप। उपेंद्र कुशवाहा के अलावा राजा राम कुशवाहा भी हैं? नहीं, तो राजा राम कुशवाहा नहीं निकल पाएंगे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी हमारे निकल रहे हैं। अच्छा, कहा जा रहा है कि पवन सिंह जो हैं तो उनको समर्थन मिल रहा है एवं जो राजा राम को भी समर्थन मिल रहा है काफ़ी अधिक मात्रा में, ऐसे में लग रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा जी को समर्थन कम मिल रहा है? नहीं, उपेंद्र कुशवाहा जी को समर्थन ज़्यादा मिल रहा है, क्योंकि पवन सिंह तो नचनिएगा नहीं है, वो तो यहाँ पर क्या करेंगे, वो कुछ विकास नहीं कर पाएंगे, उनको नचाने बजने से फुर्सत है कि वो कुछ कर पाएंगे यहाँ काराकाट क्षेत्र में? पवन सिंह कह रहे हैं कि काराकाट में ही अब घर बनाएंगे और इधर ही विकास करेंगे। ऐसा कुछ बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि जीत जाने के बाद तो अपना क्षेत्र में चले जाएंगे, वो अपना काम में व्यस्त हो जाएंगे, फिर थोड़ी काराकाट की जनता को देखने आएंगे कि काराकाट की जनता भूखे मर रही है या जी रही है या कुछ कर रही है, कुछ नहीं आएंगे। अच्छा, क्या लगता है कि पवन सिंह महिलाओं के लिए किस तरह से विकास करेंगे? कुछ नहीं विकास कर पाएंगे, कुछ नहीं करेंगे? नहीं, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जी यहाँ बहुत सारा विकास कर गए, कि महिलाओं छोटे छोटे बच्चों के लिए केंद्रीय विद्यालय बनवाए, बहुत सारा ऐसा रोजगार यहाँ पे चालू, अभी फिर चालू होने वाला है फिलहाल में, और हम लोग का यही उपेंद्र कुशवाहा जी से संदेश पहुंचाना है कि महिलाओं के लिए कुछ ऐसा भी रोजगार चालू करें कि जो महिला गरीब है, जिनके आगे पीछे कोई परिवार नहीं है, उनके लिए कुछ रोजगार चालू कर दें। अभी अगर देखा जाए तो हाल ही फिलहाल में काराकाट के चुनाव में जो भोजपुरी के तमाम कलाकार हैं, एक से एक जो भी छोटे बड़े कलाकार हैं, सारे लोग समर्थन कर रहे हैं पवन सिंह को। तो क्योंकि पवन सिंह का समर्थन करेंगे, क्योंकि बीजेपी से तो उनका टिकट कट गया, उनके साथ तो कोई समर्थन करने वाला है नहीं, तो सारे अपना जिनको जितने भी सिंगर लोग हैं वो लोग उनका समर्थन के लिए आए, क्योंकि और तो कोई है नहीं कि उनको समर्थन करेगा, और ये उपेंद्र कुशवाहा जी तो इनके साथ पूरी जनता तैयार है करने के लिए समर्थन। लोग कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा इस क्षेत्र में अपना इमेज खराब कर चुके हैं पार्टी बदल के। नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है, पार्टी तो सब लोग बदलता है, पार्टी कौन नहीं, क्या पवन सिंह जीतेंगे तो वो पार्टी नहीं बदलेंगे, वो भी पार्टी में जा सकते हैं। पवन सिंह जीतेंगे तो पार्टी बदलेंगे? कहे क्यों नहीं बदलेंगे, जब उनको बीजेपी से टिकट कट गया तो वो जरूर पार्टी बदल सकते हैं, अगर बीजेपी में उनका रहता तो जरूर जीतने के बाद जरूर बीजेपी अपना में ले लेती, लेकिन इस बार तो बीजेपी से टिकट उनका कट गया तो जरूर किसी पार्टी में न जाएंगे, ऐसा तो थोड़ी है कि अकेले वो रहेंगे। अच्छा, पवन सिंह गाना निकालते हैं, इनके गाना को दुनिया भर में सुना जाता है, किस किस तरह के गाने निकालते हैं? कुछ अच्छा भी है, कुछ बेहद खराब भी है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता है। महिलाओं के लिए कैसा गाना निकालते हैं ये? अच्छा नहीं रहता है। अच्छा नहीं रहता? नहीं, अच्छा नहीं रहता है। पवन सिंह के गानों को सुनी है कभी आप? हाँ, सुने हैं, कभी कभी सुने हैं। हाँ, चलो जाओ।
चलिए, बाकी और भी महिलाएं हैं, क्या नाम है आपका? अनीता देवी। किनको समर्थन देने जा रही हैं क्षेत्र से? उपेंद्र कुशवाहा को। उपेंद्र कुशवाहा को जी। उपेंद्र कुशवाहा को ही क्यों समर्थन दिया जा रहा है? यही कि मतलब हम लोग गरीब महिला था तो हम लोग के उठाए थे, रोड पर चलने नहीं आता है तो रोड पर चलने के सिखाए, समाज से बोलने नहीं आता है तो बोलने के लिए सिखाए, हम लोग का यही किए हैं। अच्छा, क्या लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा रोजगार दे पाएंगे? बिल्कुल देंगे। रोजगार दे पाएंगे? हाँ दे पाएंगे। महिलाओं का समान अभी अगर देखा जाए तो क्या लगता है कि काराकाट में कौन सा प्रत्याशी महिलाओं का समान करेगा? बहुत करेंगे। कौन समान करेंगे? वही करेंगे कि जो मतलब जैसे कि बच्चन के रोजगार रोजगार देगा, हम लोग का भी रोजगार देगा, बच्चन को पढ़ाई लिखाई के लिए देगा, बच्चा घामा में मतलब जैसे कि चल के आते हैं जाते हैं तो उनका लिए पैसा खाता में देते हैं, साइकिल भी देते हैं। चुनाव होने वाला, किनको समर्थन देना चाहती हैं? उपेंद्र कुशवाहा को। उपेंद्र कुशवाहा को, यानी कि जो भी यहाँ महिलाएं थी सारे लोग उपेंद्र कुशवाहा को समर्थन दे रहे हैं। हाँ। उपेंद्र कुशवाहा को ही समर्थन क्यों दिया जा रहा है? अरे वो तो बहुत लोग बहुत कुछ करता है ना, लॉकडाउन लगा तो 3 महीना पैसा भी दिया, राशन भी फ्री किया, कितना भी कि सब साधन किया, वो क्यों नहीं किया? आश्रम कार्ड बनवाया, सब बनवाया। अभी वो बोलते हैं कि अब मैं भी जीतेंगू तो बहुत कुछ करेंगे। अच्छा, तो इससे पहले नरेंद्र मोदी बोले थे कि हम 15 लाख रुपया देंगे, क्या मिला किसी को? नहीं, अभी नहीं मिला है। नहीं मिला? नहीं मिला है, 500 रुपया 3 महीने मिला है। अच्छा, क्या लगता है कि अब की बार फिर से अगर काराकाट का सांसद बनते हैं उपेंद्र कुशवाहा जी तो 15 लाख रुपया खाते में आने का कुछ उम्मीद है? नहीं, वो कहते ना है खाली 15 लाख आएगा, नहीं आएगा, खाली कहने का। हाँ, झूठा बात है ना। तो क्या लगता है कि इसी तरह से चुनावी जो जुमले होते हैं नेता लोग करते हैं और फिर चुनाव जीतने के बाद भूल जाते हैं? भूलिए जाएगा ना। तो अभी तो एनडीए के तरफ से, प्रधानमंत्री के तरफ से उम्मीदवार जो हैं इस क्षेत्र के उपेंद्र कुशवाहा ही हैं, क्या लगता है कि विकास कर पाएंगे? विकास कर पाएगा वही बच्चन के, विकास कर पाएगा जो पढ़ने लिखने का शिक्षा देगा वही ना करेगा, पवन थोड़े करेगा, वो तो नाचने गाने पवन वाले नहीं करेंगे। नहीं। अच्छा, पवन को जोरों शोरों के साथ लोग समर्थन दे रहे हैं? अरे देने वाला देते हैं, सब लोग थोड़े देते हैं। आप क्यों नहीं पवन सिंह को समर्थन दे रहे हैं? हम लोग नहीं देंगे ना, वो नाचने गाने वाला, गंदा गंदा सब प्रचार करने वाला, वीडियो बनाने वाला, गाना गाने वाला, वो सबको पसंद नहीं आता है ना। तो मतलब गाना गाने वाला को आप लोग समर्थन नहीं? नहीं, हम लोग नहीं देंगे।